देखिए आपके उसमें नहीं है और सीरीज में सारे पद नहीं होते हैं, है ना, लेकिन बुक में सारे होते हैं और मेरा जो पद है वो बुकों के हिसाब से चल रहा है। अब आपके उसमें है या नहीं है वो मैं नहीं जानता, लेकिन देखिए अपनी बातचीत चल रही थी आलम सुकवि जिसके बारे में जिन्होंने लिखी है अपने श्री कृष्ण, जो सूरदास भ्रमर गीत से संबंधित है, और ठीक उसी तरह से इन्होंने भी उद्धव के माध्यम से गोपियों की विरह भावना को दिखाया है, और उसके लिए फिर गोपियों ने भी वार्तालाप की है, और गोपियों ने वार्तालाप की है तो आपने सुना है कि भाई गोपियों ने इतने प्रेम पत्र भेजे थे वृंदावन माँ मथुरा कि माँ बताया जाता है कि मथुरा की कुएं तक भर गए हैं। अब कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा है और विरह वियोग से पीड़ित हैं गोपियाँ, और इतना विरह वियोग निकलते हुए दिखाया है, उनकी आंखों से आंसू बहते हुए दिखाए कि जैसे कोई नदी नाले रूप ले लेते हैं ना, ठीक इसी तरह से उनके नेत्रों से बहता हुआ जल जो है वो बहता हुआ दिखाया है, और उसमें आगे आगे उद्धव भाग रहा है, पीछे पीछे गोपियों से गोपियों के नेत्रों से निकला हुआ जल है जो नदी का रूप धारण करके उद्धव के पीछे पीछे भाग रहा है। तो इतनी विरह वियोग की आंसुओं की धारा दिखाइए। तो देखो यहाँ क्या दिया है कि अखियां भली जो ऐसे आंसू अंधारे, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव कि ये तो हमारी आंखें भली हैं जो हमारी आंखों ने क्या कर रखा है, इन आंसुओं को धारण कर रखा है, अगर एक एक आंसू छोड़ दिए वृंदावन की गोपियन में तो यूं समझ ले तू कि नदी बन जाएगी, नदी तो बहा ले जाएगी, जैसे पानी बहता है ना ऐसे रूप धारण कर लेगी और उसमें तू बह जाएगा। यहाँ क्या दिया है, अखियां भली जो ऐसे आंसू अंधारे, कि हमारी आंखें भली हैं उद्धव कि तेरे इतने विरह वियोग की बातें सुन के भी हमारी आंखों ने इन आंसुओं को रोके रखा है। क्या दिया है इसमें, ना तो, ना तो का मतलब नहीं तो क्या हाल होता, इशारा कर रही है ना तो, नहीं तो क्या हाल होता, धारा पल छूटते हूं देश ने समाती, अरे इतनी धारा बहती हमारी आंखों के आंसुओं से कि क्या दिया इसमें, धारा धारा मिस धरती पल छूटती हूं कि एक पल में इतनी धारा बहती, इतनी धारा छूटती कि देश ने समाती, तीनों देश दिया है, तीनों देश का मतलब है कि तीनों लोकों में हमारी आंखों से निकला हुआ आंसुओं का जल है ना वो धारा तीनों लोकों में नहीं समाती, ये तो शुक्रिया मनाओ तुम कि हमारी आंखें हैं इन्होंने बड़े धैर्य धारण करके इन आंसुओं को रोके रखा है, बाकी तू बात तो ऐसी अटपटी कर रहा है बहुत बुरी, क्योंकि उद्धव के लिए कहती है वो। क्या दिया है, औदी है जो धूम की वो सांस रूंदी राखी है, औदी है औदी वही बात आ गई, औदी औदी का मतलब है अवधि, अवधि कौन सी, जो श्री कृष्ण कह के गया था ना उसी अवधि की ओर इशारा है, जो धीम जो धूम की वो सांस रूंदी राखी, और जो उसास है उन उसासों को हमने धुएं की तरह घोट घोट के क्या कर रखा है, रोक रखा है। क्या दिया है इसमें कि धूम की उसास रूंद राखी, अरे जो धुएं की तरह जो उसास है ना उन उसासों को हमने क्या कर रखा है, रूंदी राखी, अर्थात उन उसासों को हमने रोके रखा है, किसके कारण, उस अवधि के कारण, अर्थात श्री कृष्ण की अवधि के कारण हम जिंदा है, अवसासों को रोके रखा है हमने। क्या दिया है, नेक लेत दोसव अंधियारी होती राती, अगर हमने उन रोके हुए सांसों को अगर संसार में छोड़ दिया तो क्या दिया है, नेकु लेते, अगर नेक भी हमने जो धूम की तरह जो सांस है ना जिसको रोके रखा है, सारी गोपियां अगर उसको छोड़ देंगी ना तो आगे क्या दिया है, धौसम अंधेरी होती रात, अरे दिन में भी अंधेरी रात हो जाएगी,
क्योंकि शरीर के अंदर से धुआं निकलेगी। कितनी गोपियां हैं, सारी गोपियों के अंदर से धुआं निकलेगी तो रात में भी अंधेरी रात हो जाएगी, ये कहती हैं गोपियां। और क्या दिया है कि आलम संताप स्वेद सीच वो आधार ही आलम, आलम का भी कहता है संताप। संताप, संताप का मतलब है कि जो दुख हमको मिल रहा है ब्रह्म योग के कारण, हमें संताप किससे मिल रहा है, स्वेद सीच वो आधार, जो ब्रह्म योग के कारण जो पसीना आ रहा है ना हमारे, क्या दिया है संताप स्वेद सीच वो आधार, कि हमें कोई और कहीं पानी से नहीं मिल रहा है, हमें तो जो ब्रह्म योग के कारण जो हमारे शरीर में जो पसीना आ रहा है ना, वही हमारे संताप को क्या कर रहा है, सींचने का काम कर रहा है। अर्थात गर्म भी हो रहा है लेकिन पसीना आता है तो शरीर ठंडा भी हो जाता है। और क्या दिया है, झूरी हवे के देह, अगर ये पसीना इस ब्रह्म योग की अग्नि को शांत नहीं करता तो आगे क्या दिया है, झूरी हवे के देह, झूरी हवे के देह, देह माने शरीर, झूरी का मतलब है, झूरी हवे का मतलब है कमजोर हो जाना, और कमजोर होकर क्या हो जाती, फिर खे जो उड़ाते हैं, खे खे जो उड़ा, अरे खे का मतलब है राख, अरे ब्रह्म योग में ये शरीर इतना कमजोर हो जाता कि जिस तरह से राख उड़ती है ना उसी तरह से ये शरीर भी उड़ जाता। सिर्फ ये तो क्या है कि स्वेद जो पसीना है ब्रह्म योग को सीतने का काम कर रहा है, उसने शरीर के जो तापमान है ना उसको बनाए रखा है, नहीं तो झूरी हवे के देह, देह माने शरीर, ये राख होकर उड़ जाता। क्या दिया है, छाती पे सराई बरी दिया किसी बाती, छाती पे सराई, और हमारी छाती है ना ये भी सराहनीय योग्य है, सराहनीय योग्य है हमारी छाती। क्या दिया है, छाती पे सराई बरु दिया किसी भांति, अरे दिया की भांति, इसका मतलब दिए में जिस तरह से लौ जलती है और दीपक गर्म हो जाता है ना, ठीक उसी तरह से दीपक की भांति कौन, उद्धव सगुण साकार के समर्थक हैं हम, और हमारी छाती पर क्या कि निर्गुण ब्रह्म की बातें कर को ये हमारे दीपक की लौ की बातें क्या कर रहा है, हमको जला रहा है। और क्या दिया है, पाती लिखी लेखनी जो बाती भरी जात है, पाती और ब्रह्म योग का तापमान इतना अत्यधिक दिखाया है गोपियों का, पाती लिखी लेखनी, और जब पाती पत्री प्रेम की जब पत्री लिखने बैठती है ना, जो बाती भरी जाती, जैसे दीपक की बाती जलकर नष्ट हो जाती है ना, ठीक उसी प्रकार पाती लिखने बैठती है तो ब्रह्म योग के कारण क्या दिया है, सारी चीजें जलकर नष्ट हो जाती हैं। ये ब्रह्म योग की पीड़ा का वर्णन किया है किसने, आलम, ठीक है।